नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिनोज पे। आईएफसी के शेयर में अभी क्या करना चाहिए। शेयर का प्राइस जो आईएफसी का 77.50 पैसे में ट्रेड कर रहा है। कंपनी का शेयर हो सकता है कि आज पूरा तेजी बनाए आईएफसी का, और कंपनी में जैसे बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने स्टेक इंक्रीज किया है, बहुत सारे कैपिटल्स वगैरह फंड वगैरह आईएफसी को मिला है, तो हो सकता है कि आईएफसी का शेयर जो आगे चल के तेजी बनाए, इसका बिजनेस में प्रॉफिट वगैरह बने। अभी देखेंगे तो आईएफसी का शेयर का मतलब टेक्निकली आईएफसी का शेयर कैसा है, कंपनी कैसा है और क्या करना चाहिए भी आईएफसी के शेयर में, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कहते हुए स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। शेयर मार्केट से रिलेटेड कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात। आईएफसी के शेयर का प्राइस दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, वन मंथ में जो लो प्राइस बनाया है 60.50 पैसे का, जो वन मंथ का हाई प्राइस है 91.40 पैसे का, मतलब वन मंथ का जो हाई प्राइस आप देख सकते हैं शेयर का प्राइस जो यहाँ पे होता है। इससे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स रहेगा ऐसा जिन लोग ज्यादा प्राइस में आईएफसी के शेयर में खरीदारी वगैरह करके रखा है। दोस्तों अभी यहाँ पे आईएफसी का जो बोल सकते कि जो क्वालिटी है, मतलब यहाँ पे एक दिन का देखते हैं आईएफसी का शेयर का, एक दिन में जो शेयर का जो लो बना है 74.11 पैसे का और एक दिन का जो हाई प्राइस है 77.90 पैसे का है। फाइनली मतलब कंपनी का जो यहाँ पे देखते हैं आईएफसी का जो देखिए जो क्वालिटी है जो कि 79.100 है, 79 है आउट ऑफ माफी 79 है आउट ऑफ 100। वैल्यूएशन की बात करते हैं 29 है आउट ऑफ 100, टेक्निकली 63 है आउट ऑफ 100। दोस्तों अभी यहाँ पे आईएफसी का यहाँ पे देखते हैं शेयर में एक हफ्ते में जो आईएफसी का शेयर है, एक हफ्ते में 11.26% शेयर का प्राइस डाउन हुआ है। वन मंथ में 20.01% रिटर्न दिया है आईएफसी के शेयर ने। थ्री मंथ में देखेंगे तो 58.16% रिटर्न दिया है आईएफसी के शेयर ने। जो प्रीवियस क्लोज प्राइस है आईएफसी का 73.66 पैसे का, उससे अगर देखते हैं तो आईएफसी का शेयर जो एक जबरदस्त तेजी बनाया है। वॉल्यूम जो है शेयर का 3.84 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है आईएफसी के शेयर में। 52 का जो लो प्राइस बना है 13.55 पैसे का और 52 का जो हाई प्राइस बना है 91.40 पैसे का, माफ कीजिए। जहां पे देखिए कंपनी का जो आईएफसी में तो मतलब बोल सकते कि शेयर का जो हाई प्राइस है जो कि 90-91 रुपीज के आसपास आईएफसी के शेयर ने ट्रेड किया है, उससे शेयर का प्राइस थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग है देखिए प्रोमोटर्स के पास देखते हैं तो प्रोमोटर्स के पास जो है 70.3% से प्रोमोटर्स ने स्टेक यहाँ पे इंक्रीज करके 71.70% का स्टेक किया है। FIS के पास 2.3% का स्टेक था, FIS ने स्टेक इंक्रीज करके 2.4% का स्टेक किया है। पब्लिक के पास 21.4% का स्टेक था, पब्लिक ने यहाँ पे स्टेक रिड्यूस करके 20.6% का स्टेक किया है। अदर्स के पास 6% का स्टेक था, अदर्स ने यहाँ पे स्टेक रिड्यूस करके 5.30% का स्टेक किया है। दोस्तों अभी यहाँ पे आईएफसी के शेयर का टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। टेक्निकली ये जो शेयर है एक पॉजिटिव पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है आईएफसी का शेयर। टेक्निकली ये शेयर एक पॉजिटिव पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है आईएफसी का शेयर। कंपनी को लेकर यहाँ पे देखते हैं, देखिए कंपनी का जो आईएफसी का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जो कैश है ऑपरेशन जो एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उससे कंपनी का कैश अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के जो ईपीएस है आईएफसी के जो ईपीएस है इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो बोल सकते कि जहाँ पे जो प्रोमोटर्स है स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया है। कंपनी विथ राइजिंग नेट प्रॉफिट मार्जिन जो क्वार्टरली एज वेल एज जो कंपनी का देखते तो जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है क्वार्टरली वगैरह इंक्रीज हो रहा है। आरओसीई आईएफसीआई का इम्प्रूव हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है, पिछले दो साल से देखते तो कंपनी का आरओसीई इंक्रीज हो रहा है। कंपनी जो यहाँ पे शेयर होल्डर्स के फंड्स यूज कर रहा है इफेक्टिवली एंड यहाँ पे मतलब यहाँ पे अच्छी तरह से शेयर होल्डर्स का जो फंड यूज कर रहा है, कंपनी का आरओई जो है इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के जो एसेट है यहाँ पे अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं, कंपनी का जो आरओए है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है पिछले दो साल से। दोस्तों कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट विथ प्रॉफिट मार्जिन है ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। नेट कैश आईएफसी का जो नेट कैश है, नेट कैश यहाँ पे पिछले दो साल से इंक्रीज हो रहा है। एनुअल नेट प्रॉफिट की बात करते हैं पिछले दो साल से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोमोटर्स के पास है ज्यादा कुछ स्टेक प्लेस वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईएफसी को लेके कितने मतलब बोलते हैं कि ऐसे बहुत सारे अपडेट्स हैं जिसके चलते बोल सकते हैं कि कंपनी जो है इसका बिजनेस आगे चल के यहाँ से कर सकता है अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट वगैरह कंपनी जो यहाँ पे बना सकता है।
फंडामेंटल बात करते हैं आईएफसी के शेयर को लेके, शेयर में एक तेजी बन रहा है और यहाँ पे देखेंगे तो आईएफसी का जो शेयर है मतलब इसका कैश फ्लो वगैरह इंक्रीज हो रहा है, कैश जो इंक्रीज हो रहा है, एफआईएस ने स्टेक इंक्रीज किया है, प्रोमोटर्स ने स्टेक इंक्रीज किया है, फंड रेजिंग किया, इतने सारे अपडेट्स आ रहे हैं। तो इसका फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन अभी देखते हैं दोस्तों। हाई रिटर्न ऑन इको मतलब जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कंसिस्टेंट कंपनी का आरओसी इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक विथ कंसिस्टेंट रेज इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, कंपनी का देखते तो हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स ईयर ऑन ईयर, मतलब कंपनी का जो सेल्स है क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। एंड यहाँ पे एक चीज आप बोल सकते कि कंपनी का जो शेयर है आईएफसी का जो शेयर है जो कि 77.50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसका जो बुक वैल्यू है आईएफसी का उससे थोड़ा ज्यादा प्राइस में ये शेयर ट्रेड कर रहा है फिलहाल आईएफसी का। टेक्निकली बात करते हैं आईएफसी के शेयर को लेके, टेक्निकली शेयर जो है स्टॉक जो है आउट परफॉर्मिंग है निफ्टी फिफ्टी ओवर डे में, स्टॉक जो है यहाँ पे शेयर जो है जो कि अंडर परफॉर्मिंग है निफ्टी फिफ्टी ओवर वीक का, स्टॉक जो है आउट परफॉर्मिंग है निफ्टी फिफ्टी ओवर मंथ का मंथ में और निफ्टी ओवर मंथ में। अभी यहाँ पे देखिए जो 52 वीक का हाई प्राइस है आईएफसी का जो कि 1991 के आसपास 1991 रुपीज के आसपास है, उससे अगर देखते हैं तो आईएफसी का शेयर का जो प्राइस है दोस्तों बहुत ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल बोल सकते हैं कि आईएफसी के शेयर में जो है एक बहुत ज्यादा टारगेट प्राइस कंपनी के शेयर में फिलहाल अभी नहीं रखना चाहिए ऐसा हमें लगता है आईएफसी का शेयर का। देखते तो अभी जो यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिल रहा है आईएफसी के शेयर में, जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, देखिए जो इसका वॉल्यूम है आईएफसी का जो कि 1 करोड़ का शेयर का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है कंपनी में बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल रहा है कंपनी ने का। अभी जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने स्टेक इंक्रीज किया है तो बहुत सारे कंपनी को जो अभी बोल सकते कि कैपिटल वगैरह भी मिला है आईएफसीआई को, जिसके चलते इसका बिजनेस में आगे चल के एक फायदा हो सकता है, कंपनी प्रॉफिट वगैरह कर सकता है, बिजनेस से कैपिटल मिल रहा है आईएफसीआई को अभी अच्छा खासा। यहाँ पे प्रोमोटर्स ने स्टेक इंक्रीज किया है और एफआईएस जो है दोस्तों एफआईएस ने स्टेक इंक्रीज किया है जो इसका 52 वीक का हाई प्राइस है आईएफसी के शेयर का। देखिए 52 का हाई प्राइस इसने 19.40 पैसे का दिया है, 19.40 पैसे का इसका 52 का हाई प्राइस है, तो वहां से शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है जो कि 77.50 पैसे का। अभी अगर देखेंगे तो शेयर जो है यहां से बहुत ज्यादा एक टारगेट प्राइस फिलहाल आईएफसी के शेयर में नहीं रखना चाहिए, हो सकता है कि कंपनी के शेयर में मतलब जो इसमें अपडेट्स वगैरह देखने को मिल रहा है हो सकता है कि शेयर में थोड़ा बहुत तेजी बने, बट उतना ज्यादा टारगेट प्राइस फिलहाल नहीं रखना चाहिए आईएफसी के शेयर में ऐसा हमें लगता है। कंपनी का देखते हैं आईएफसी का जो यहाँ पे अपडेट्स है, जहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 20.26 करोड़ के आसपास जो है इसका 20.26,000 करोड़ के आसपास जो है कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। टेक्निकली आईएफसी का शेयर आप देख सकते हैं जो कि एक पॉजिटिव पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनाता हुआ है, फिर बोलते बुलिश पैटर्न बनाता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए अभी यहाँ पे हमें लगता है कि किसी ने अगर आईएफसी के शेयर में थोड़ा ज्यादा प्राइस में खरीदारी करके रखा है तो थोड़ा समय यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, हो सकता है कि ये शेयर आगे चल के रिटर्न दे शायद से। आपको कैसा लगता है दोस्तों आईएफसी का शेयर, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए, हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोविच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।